सांभर। आज हम लोग इडली और अभी इसमें हम देखिए फ्रेंड्स मेरा गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बहुत ही बहुत अच्छे होंगे। और आज है वेस्टडे और सप्पू का तो बोर्ड एग्ज़ाम स्कूल में चल रहा है इसलिए छुट्टी है और आना भी नहीं है इसी वजह से। तो आज ये लोग बोले इडली सांभर बनाया जाए। और देखिए मेरी प्यारी बिटिया मेरे पास आ चुकी हैं, बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत मेरा कहना मानती है। तो इन लोगों ने कहा इडली सांभर बनाओ मम्मा, तो इसीलिए मैंने आज सोचा चलो इडली सांभर बनाते हैं। और सांभर के लिए घर की चीज़ों से देखिए राई का तड़का और प्याज का और टमाटर डाल के तुअर डाल मतलब अरहर की दाल डाल के हम सांभर बनाएंगे। ये प्याज और हरी मिर्च है और इसका तड़का देंगे। आना मुझे कुछ कह रही है, मैं उधर चली गई। देखिए प्याज का तड़का डालेंगे और प्याज काटते समय तो मुझे बहुत ही लगता है। और फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जो नए लोग देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अच्छा बुरा जो भी हो बताएं ज़रूर मुझे। और मैं तो टमाटर भी डाल देती हूँ हेल्दी बनने के लिए, बच्चों के लिए बना रही थी तो इसलिए थोड़ा सा हेल्दी कर दी। और आज मम्मी को तो चोट लगी है, जो मेरा वीडियो देखते हैं उनको मालूम ही होगा उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। मैंने सोचा सबके लिए बना दूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, सबको भैया सबको भूख लगी थी तो इसीलिए मैं और चाय मैं नहीं पीती सुबह का तो मैं चाय भी पी रही थी, सबको जाना रहता है इसलिए जल्दी सुबह ही बनाती हूँ। टाइम इस समय 8 बज रहे हैं, सुबह का काम हो चुका है। वैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह हल्का फुल्का ही बनाती हूँ और आज यहाँ पे तड़का देने के बाद मैं थोड़े से दाल को भून लूँगी और उसके बाद नमक और पानी डालूँगी। ये है सांभर मसाला और इमली नहीं थी तो मैंने खटाई का प्रयोग किया, अमचूर पाउडर वो रहता है तो मैं वही डाल देती हूँ। और ये नॉर्मल सी बन जाती है डेली में, बाकी नीम करी पत्ता और उसमें आप 3-4 प्रकार की दाल भी डाल सकती हैं जैसा चाहे वैसा बनाए। ये तो रोज़ का खाना पीना है तो कम ज़्यादा जो है घर में उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैं अरहर की दाल और सिंपल वे बनाती हूँ, मिर्ची मेरी बेटी खाती नहीं है, हम लोग लाल मिर्ची का डाल लेते हैं ऊपर से अगर तीखा जिसको खाना होता है। और इडली के लिए सूजी मैंने सुबह ही दही डाल के मतलब जितना आपका सूजी है उसका डबल पानी रहेगा और उसका तिहाई भाग दही लेना होगा और उसको सुबह हम भिगवा देंगे। अगर सूजी आप थोड़ा भूनना चाहें तो भून भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे डाल दीजिए। बाद में उसमें राई का तड़का मार दीजिए और लास्ट में बेकिंग सोडा थोड़ा डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा बनता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा सांभर रेडी होने वाला है। और ये देखिए सूजी भी मेरी रेडी है, इसको मैंने सुबह ही भिगा दिया था, मैंने आपको जैसे बताया। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बच्चों के लिए तुरंत में आनंद फानंद में जो रहता है वो बनाना पड़ता है इसलिए थोड़ा बहुत आना चाहिए इसमें हम ऐसे बनाने के लिए। और देखिए मेरी सूजी एकदम फूल चुकी है और इसमें मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालूँगी, थोड़ा सा ये देखिए इतनी से हम बेकिंग सोडा यहाँ पे देखिए मैंने सूजी में तड़का लगा दिया है राई का और देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, नमक डालने से ये होता है अगर बच्चे तो ऐसे ही खाते हैं तो अच्छा लगता है, या बाद में आप प्याज डाल के राई डाल के फ्राई भी कर सकती हैं। और इधर मैंने कुकर चढ़ा दिया है और इधर सांभर भी चढ़ा है। मैंने इडली का पूरा सेट नहीं लिया, मैंने हॉकिंस का सांचा ले लिया था और कुकर मेरे पास 5 लीटर का था ही तो मैंने इसलिए पूरा सांचा नहीं लिया, खाली ये इडली बनाने का ये हॉकिंस का सांचा, ये बहुत ही अच्छा होता है। आप लोग भी जिसको चाहिए वो ले सकते हैं, मैं तो 2-3 साल से यूज़ कर रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही मजबूत है हॉकिंस प्रोडक्ट, तो आप लोग को मालूम ही वैसे भी अच्छा रहता है। और हाँ जिसको बड़ा बनाना है थोड़ा ही सांचा बड़ा ले सकता है,
और प्रेशर कुकर सभी के यहाँ 5 लीटर का रहता है, आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, और वो भी एल्युमिनियम का रहता है। और एक बार में देखिए 12 पीस तैयार होते हैं, 4 सेट हैं और 12 पीस 3 दिन का तैयार होगा। अगर आपको बड़ा लेना है, बड़ी फैमिली है, तो आप बड़ा भी ले सकते हैं, और हमारे 8 लोग के लिए इसमें बढ़िया बन जाता है। हम पूरे घर में इसमें बनाएंगे तो बढ़िया से हो जाएगा। और सांभर का प्रेशर आ चुका है और इधर इडली भी मेरा तैयार हो रहा है। और 3 मिनट के बाद देखिए आप 2 से 3 मिनट जब तेज़ प्रेशर आने लगे तो सीटी निकाल दीजिए और 3 मिनट तक पकाइए, बहुत ही अच्छा पक जाएगा। और ये देखिए, और ये बहुत ही स्पंजी बनता है, आप बना के देखिएगा इसमें। और ये बन चुका है और मैं निकालने के बाद पहले मम्मी और पापा को दूंगी, फिर उसके बाद बच्चे तो अपना स्पून और कांटा लेके रेडी है, भूख लगी कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा पहले मम्मी पापा, बाकी सबको घर में देने के बाद, मतलब मम्मी पापा के बाद बच्चों को दूंगी। बच्चों को तो आप जानते ही हैं, और बच्चों के लिए स्पेशल बनता ही है ये सब, पापा को ही बहुत पसंद है, मम्मी नहीं खाती, मम्मी कम खाती हैं। और अब मैं इसमें दूसरा डाल दूंगी, जब तक इधर पकेगा तब तक मम्मी पापा को दे दूंगी। और इसमें थोड़ा सा रिफाइन लगाऊंगी, हल्का सा लगाती हूँ, 1-2 बार, बार बार नहीं लगाना पड़ता है। और फिर इसमें से मैं पूरे में 12 पीस डाल दूंगी तब तक, और बच्चों के लिए तब तक तैयार हो जाएगा। और छुट्टी छुट्टी के दिन मैं बनाती हूँ, सुबह तो ये नहीं बन पाता, जिस दिन शाम को बनाती हूँ उस दिन बेटर रखा रहता है बच्चों के लंच की। ये लंच रेसिपी बहुत अच्छी, आप चाहें तो इसी बेटर में प्याज टमाटर बाकी आपके यहाँ जो अवेलेबल सब्जियां हैं आप डाल के इसी तरह से बना के उसको आप फ्राई करके बच्चों को दे सकते हैं लंच में। और ये भी हेल्दी है, बन गया है, इधर देखिए ये बन चुका है, सबको मैंने दे दिया है और अब मैं ही बची हूँ, और नीचे भी मैंने पहुँचा दिया है, अब सब लोग खाएंगे। बस ऐसे ही दिनचर्या चलती रहती है, मैनेज करना पड़ता है सब चीज़ बच्चों की। फ्रेंड्स अभी कुछ दिन पहले छोटे छोटे पौधे लाई थी और देखिए गुलाब खिल गया है, कितना ही बढ़िया खिला है। और इसमें देखिए कलियां भी आ गई हैं, गेंदा के फूल में तो अभी कली नहीं आई लेकिन देखिए बढ़ गए हैं। सारी तुलसी की पत्तियां हरी हो गई, तुलसी मैया सूख जाती तो दिल बहुत दुखी होता है। देखिए विष्णु भगवान केला में भी थोड़ी सी पत्तियाँ आ गई हैं, सारे पेड़ पौधे हरे हो गए हैं। देखिए फ्रेंड्स मेरा सारे काम हो गए हैं, बच्चों ने लंच कर लिया है, और ये देखिए मैंने अपने रूम को क्लीन कर लिया है बिल्कुल, और अब यहाँ मैं पढ़ाई करूँगी। समय जल्दी उठना रहता है, जल्दी काम करो तो जल्दी सब हो भी जाता है। और मैं यही कहूँगी कि टाइम पे सब कुछ करना चाहिए अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो, अपना शेड्यूल बना के रखना पड़ेगा, कैसे हमको क्या करना चाहिए एक नियम बनाना पड़ेगा। 30+ लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी हमें डीमोटिवेट नहीं होना है कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम सब कर सकते हैं। एक हाउसवाइफ जो अपना घर चला सकती है वो कुछ भी कर सकती है, एक हाउसवाइफ जो अपने बच्चे संभाल सकती है, अपना घर संभाल सकती है, सबको पाल सकती है, तो क्या वो खुद के लिए समय नहीं निकाल सकती, वो सब कर सकती है। बस अपने अंदर से खुद को मजबूत करना चाहिए। मैं तो सबसे यही बोलूँगी कि घर परिवार संभालने के साथ साथ 30+ लोगों को यही बोलूँगी कि खुद के लिए समय निकालिए, खुद के लिए वर्क करिए, अपना एक ज़िंदगी का एम बनाइए, आपके पास भी कुछ काम होना चाहिए। मैंने सबको बना खिला दिया, सब कुछ काम कर दिया, उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं इधर उधर बैठ के पंचायत नहीं करूँगी, इसके पास बैठूँ उसके पास बैठूँ। आप अपना समय घर परिवार को भी दीजिए और कुछ समय आप अपने लिए भी निकालिए। देखिए होता क्या है, बच्चे ऐसे बड़े हो गए उसके बाद आप क्या करोगे, आपके जीवन में कोई उद्देश्य होना चाहिए। जिसकी लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं होता उसका जीवन निरर्थक है। हमें अपने लिए भी कुछ सोचना चाहिए। आज से 1 साल पहले अगर मैं बैंक में जाऊँ तो मेरी लाइफ में कुछ भी वर्क नहीं था करने के लिए, मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी ही बेकार है, बस बच्चे पालो, खाना बनाओ, घर का काम करो, यही एक लाइफ है। अपनी लाइफ को थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में लाना चाहिए। हम घर परिवार का काम करते हुए, अपने बच्चों को संभालते हुए, सबकी जिम्मेदारी निभाते हुए हमें अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। आज मेरे पास काम है, मेरे पास वर्क है, अपने लिए समय है, आज नहीं 1-2 साल बाद तो अर्निंग भी होगी ईश्वर चाहेगा तो, लेकिन अभी तो मैं यूट्यूब पे वर्क कर रही हूँ, प्लस डीएड कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ,
और बच्चे भी आगे जैसे जैसे बच्चे बड़े हैं, लेकिन हमें अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। मैं सब इंडियन हाउसवाइफ हो चाहे जो भी हो, जो भी हमें देख रही हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपने लिए भी खुद के लिए समय निकालिए, कुछ वर्क करिए, ताकि आप अपने लाइफ में बिजी हो जाएं। आपको कुछ भी आपके लाइफ में भी कुछ करने के लिए होना चाहिए, और खुद का पैसा खुद का ही होता है, उसको आप चाहे जैसा यूज़ करिए। इसलिए मेरा मानना तो यही है, एक समय लग रहा था मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, और आज मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, और मैंने अपने रास्ते खुद से चूज़ किए हैं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला। और किससे मैं मोटिवेट हुई हूँ, मैं इस पे भी वीडियो बनाऊँगी और आप लोग को दिखाऊँगी। यूट्यूब पे हज़ारों ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं, और मैं हर इंडियन वूमन से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी देखिए और आगे बढ़िए। ये आज का युग है, अब वो समय नहीं है कि घर की औरतें बाहर नहीं निकलती, घर की औरतें कुछ कर नहीं सकती हैं। अगर आपको करने का शौक़ है तो रास्ते आपके लिए खुले हैं, बाकी आपकी इच्छा, जैसा जीना चाहती है, बाकी आप जैसा चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं, बाय बाय।